इस वेले की वड्डी अपडेट तुहानू दे दिए कि साबका डीजीपी सुमेद सैनी नू अगाऊ जमानत मिली है। जी हाँ, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वलों साबका डीजीपी नू वड्डी राहत दी गई है। आमदनी तो वध जायदाद होने का यह मामला उन्होंने खिलाफ दर्ज किया गया सी, जिस दे विच हुण पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उन्होंने अगाऊ जमानत दे दी है। पर इसे दौरान दस दिए कि एक हफ्ते के अंदर उन्होंने जांच दे विच शामिल होने के निर्देश भी दिए गए ने। दस दिए कि विजिलेंस के वलों सुमेद सैनी खिलाफ FIR दर्ज की गई सी। वड्डी अपडेट तुहानू दे रहे हैं कि साबका डीजीपी सुमेद सैनी नू पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने वड्डी राहत दिती है। सुमेद सैनी नू अगाऊ जमानत हाईकोर्ट दे वलों दिती गई है। इस वेले की वड्डी अपडेट तुहानू दे दिए कि साबका डीजीपी सुमेद सैनी नू अगाऊ जमानत मिली है। जी हाँ, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वलों साबका डीजीपी नू वड्डी राहत दिती गई है। आमदनी तो वध जायदाद होने का यह मामला उन्होंने खिलाफ दर्ज किया गया सी, जिस दे विच हुण पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उन्होंने अगाऊ जमानत दे दिती है। पर इसे दौरान दस दिए कि एक हफ्ते के अंदर उन्होंने जांच दे विच शामिल होने के निर्देश भी दिए गए ने। दस दिए कि विजिलेंस के वलों सुमेद सैनी खिलाफ FIR दर्ज की गई सी। वड्डी अपडेट तुहानू दे रहे हैं कि साबका डीजीपी सुमेद सैनी नू पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने वड्डी राहत दिती है। सुमेद सैनी नू अगाऊ जमानत हाईकोर्ट दे वलों दिती गई है। इस वेले की वड्डी अपडेट तुहानू दे दिए कि साबका डीजीपी सुमेद सैनी नू अगाऊ जमानत मिली है। जी हाँ, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वलों साबका डीजीपी नू वड्डी राहत दिती गई है। आमदनी तो वध जायदाद होने का यह मामला उन्होंने खिलाफ दर्ज किया गया सी, जिस दे विच हुण पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्होंने अगाऊ जमानत दे दिती है। पर इसे दौरान दस दिए कि एक हफ्ते के अंदर उन्होंने जांच दे विच शामिल होने के निर्देश भी दिए गए ने। दस दिए कि विजिलेंस के वलों सुमेद सैनी खिलाफ FIR दर्ज की गई सी। वड्डी अपडेट तुहानू दे रहे हैं कि साबका डीजीपी सुमेद सैनी नू पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने वड्डी राहत दिती है। सुमेद सैनी नू अगाऊ जमानत हाईकोर्ट दे वलों दिती गई है। इस वेले की वड्डी अपडेट तुहानू दे दिए कि साबका डीजीपी सुमेद सैनी नू अगाऊ जमानत मिली है। जी हाँ, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वलों साबका डीजीपी नू वड्डी राहत दिती गई है। आमदनी तो वध जायदाद होने का यह मामला उन्होंने खिलाफ दर्ज किया गया सी, जिस दे विच हुण पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्होंने अगाऊ जमानत दे दिती है। पर इसे दौरान दस दिए कि एक हफ्ते के अंदर उन्होंने जांच दे विच शामिल होने के निर्देश भी दिए गए ने। दस दिए कि विजिलेंस के वलों सुमेद सैनी खिलाफ FIR दर्ज की गई सी। वड्डी अपडेट तुहानू दे रहे हैं कि साबका डीजीपी सुमेद सैनी नू पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने वड्डी राहत दिती है। सुमेद सैनी नू अगाऊ जमानत हाईकोर्ट दे वलों दिती गई है। इस वेले की वड्डी अपडेट तुहानू दे दिए कि साबका डीजीपी सुमेद सैनी नू अगाऊ जमानत मिली है। जी हाँ, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वलों साबका डीजीपी नू वड्डी राहत दिती गई है। आमदनी तो वध जायदाद होने का यह मामला उन्होंने खिलाफ दर्ज किया गया सी, जिस दे विच हुण पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्होंने अगाऊ जमानत दे दिती है।